हेलो एवरीवन, दिस इज एआरके रिप्रेजेंटिंग एनआरके9। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, आप लोगों के लिए एनआरके9 द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लॉस ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस बेसिस पे एनआरके9 कंटिन्यूस बेसिस से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज सभी सब्जेक्ट्स की, मॉड्यूल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सभी सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। याद रखिएगा, ये टेस्ट सीरीज जो कि ऑलरेडी कॉर्पोरेट एंड फंडिंग एंड लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, इस चैनल पे आपके लिए वो अवेलेबल है। आपको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप चैप्टर्स की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग उन्हें प्रिपेयर कर पाएंगे। एक्चुअली आप जानते हैं, जैसा कि एक लेंथी सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को थॉरली स्टडी करना भी जरूरी है, लेकिन अगर उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम उनकी चैप्टर वाइज, हाँ जी, मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर उनकी प्रिपरेशन करें तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी भी होती है और हम लोग ज्यादा प्रॉपर उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So, याद रखिएगा, यहाँ ये चैप्टर सीरीज दिल्ली बिजनेस पे अवेलेबल है। CFL की ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं, कंप्लीट अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो एनआरके9 के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा। जी हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और ये सारी अपडेट्स आपके पास एडवांस में अवेलेबल होंगी। इसके साथ साथ गवर्नेंस के भी हम लोग ऑलरेडी दो टेस्ट सीरीज अपलोड कर चुके हैं। ये थोड़े टेस्ट सीरीज आपके लिए, चैप्टर सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ चुके हैं तो हम सबको अच्छे से जानते होंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंटिन्यूसली इससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। इससे पहले मैंने आपको बता दूं कि जो चैप्टर्स हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे, अगर हो सकता है कि आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको अभी आप प्रिपेयर नहीं होंगे। सो करना क्या है, देखिए, एक सिंपल सी बात, अभी आप इस सीरीज को देखिएगा, इस सीरीज में इस क्वेश्चन को देखिएगा और जस्ट ट्राई टू रिमाइंड और रिकॉल ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स जो आपने पढ़ रखे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मैं भूल रहा हूं, तो ये भी टाइम है आपको अपने आप को चेक करने का। अगर लगता है कि मैं उसमें कौन सा में क्लैरिटी नहीं है और आपको या कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करेंगे। ऑलराइट, एकदम इजीएस्ट फॉर्म में। सेकंड थिंग, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जी हाँ, क्या बेनिफिट्स हैं आप जानते होंगे। एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास 3 आवर्स अलॉट किए जाते हैं और आप बहुत से बात को जानते हैं क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हैं। आप जानते हैं कि 3 आवर्स में एक लेंथी पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको प्रॉपर प्रैक्टिस एडवांस में करनी होगी, और अगर आपने प्रैक्टिस कंटिन्यूस बेसिस पे नहीं करी है तो आप जानते हैं डिफिकल्टी आएगी। मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, NRK9 लास्ट 8 ईयर से अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से प्रैक्टिस करता आ रहा है। जी हाँ, इस बार हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ वो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सके जो हमें अप्रोच अभी तक नहीं कर पाए हैं, ताकि ऐसी टेस्ट सीरीज या अमेंडमेंट सीरीज या लेक्चर्स उस सभी उनके लिए अवेलेबल हो सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास अभी ये अवेलेबल नहीं होगा और ऑलरेडी कुछ ऑलरेडी इंजॉय कर रहे होंगे बेनिफिट्स, बट आप चाहें तो यहाँ से भी बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। आपको अमेंडमेंट्स, आपको यहाँ पर अपडेट्स, एग्जाम अपडेट्स, आपके लिए रिलेवेंट, आई मीन इंपॉर्टेंट चैप्टर की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब मेरा यहाँ पर यह कि जिस ऐसे क्वेश्चन जिसपे आपको थोड़ा अटेंशन ज्यादा पे करना चाहिए, सो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। ऑलराइट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। व्हाई सर, व्हाई शुड आई सब्सक्राइब दिस चैनल? बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। ऑलराइट, सो प्लीज एंजॉय द क्वेश्चंस। आंसर करना क्या होगा हमको, लेकिन आपने बताया नहीं। देखिए, करना बहुत सिंपल सा काम है, आपको इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ठीक है? इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, इसके लिए टाइम अलॉट किया गया, देखिएगा यहाँ पे 1 आवर 15 मिनट्स आपको टाइम अलॉट किया गया। इससे आपका स्पीड बढ़ेगा एग्जाम में, यू नो व्हाट, आंसर शीट में अटैम्प्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में स्पीड बढ़ेगा। आप जानते हैं कि देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में 3 आवर्स होते हैं और हम वहां रिस्क नहीं ले सकते हैं, सो हमें प्रैक्टिस अभी से करना होगा। ऑलराइट, उसको यहाँ हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है ना? आपको करना क्या है, देखिएगा, इनके आंसर्स कंप्लीट करने के बाद में आप कॉपी में कर सकते हैं, बट ऑनेस्टी के साथ में, विदाउट चीटिंग है। ऑलराइट, और इसे 7568387606, जी हाँ, इस कांटेक्ट नंबर पे अपने आंसर की फोटो लीजिएगा, जी आंसर शीट की फोटो लीजिएगा और इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। बिल्कुल इसके आंसर्स को ऑब्जर्व किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा आपको पर्सनली बताया जाएगा, ताकि आपकी परफॉर्मेंस सही तरीके से इवैल्यूएट किया सके और आप सही डायरेक्शन में आगे प्रोग्रेस करें। ऑलराइट, सो स्क्रीन को यहीं पॉज कीजिएगा, पॉज करके इस सेशन को एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।